कुछ तफसीलात बताइए। आप सबको मालूम है नुमाइश कब से स्टार्ट हुआ है, 1938 में नुमाइश स्टार्ट हुआ है, बागेहार में स्टार्ट हुआ था। पहली नुमाइश उस्मानिया ने लिखा था, इनॉग्रेशन करी थी। उससे पहले 1932 में हमारे उस्मानिया ग्रेजुएट्स ने वो दिन सोचे कि अपन एक उस्मानिया ग्रेजुएट्स और जिन्हें मिलकर प्लेटफॉर्म में आने के बाद बैकवर्ड तेलंगाना स्टेट में एक पढ़ाई के बारे में, बच्चियों के पढ़ाई के बारे में सोचे थे। तो 1938 में एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले इकोनॉमिक कमेटी बनकर स्टार्ट करी। इकोनॉमिक कमेटी फॉर्म करने के बाद अगर अपने को कॉलेज रन करना है तो इसके लिए तो आमदनी चाहिए, तो क्या करेंगे। तो जब सब जने बैठ के सोचे, एक सिटी कॉलेज के लेक्चरर थे उसमें से, और शेखर जी सब जने थे, पंच के एक जने से तो नहीं होता है, 15-20 जने थे, सब जने मिल के इकोनॉमिक कमेटी फॉर्म करके उसके बाद 1938 में एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है। पहले एग्जीबिशन में आमदनी थी 2 रुपये 8 अरब, वहाँ से लेके आज 75 साल हो गया है। 1946 में हैदराबाद एरस्टवाइल स्टेट में जब के प्रधानमंत्री अपने जो थे हैदराबाद स्टेट के, उन्होंने इनाग्रेट करे थे ऑफिशियली, जब स्टेट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद 1948 में पहली नुमाइश स्टार्ट हुआ है। वो जबकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया श्री राजगोपालचारी इनाग्रेशन करे थे। उसके बाद आप सबको मालूम है हर साल जनवरी 1 के दिन चीफ मिनिस्टर 99% चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश करेंगे, नहीं तो कभी सेंट्रल मिनिस्टर करें, कभी वीरेंद्र पाटिल साहब करे, जवाहरलाल नेहरू ने कमला नेहरू पॉलिटेक्निक की इनाग्रेशन बोलते अपना फाउंडेशन स्टोन डाले, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आके फिर बिल्डिंग इनाग्रेशन करे, सिल्वर जुबली इनाग्रेशन ने राजीव गांधी साहब करे थे, गोल्डन जुबली को राहुल गांधी को बुलाया तो बच्चा नहीं आया। ये साल 2600 स्टॉल है, कश्मीर से भी आए, कन्याकुमारी से भी आए, पानीपत से आए, मुरादाबाद से आए, लखनऊ से आए, कलकत्ता, हर जगह हर साल। पाकिस्तान का बायकॉट करे सर, अभी ये साल खिलाफ रहेगा हम लोग, कोई भी बायकॉट नहीं करे, कुछ नहीं करे, कोई प्रॉब्लम आज तक एग्जीबिशन में नहीं हुआ इंशाल्लाह। अब तक जो भी चला अच्छा चला, अभी कहीं के भी स्टॉल नहीं है। अभी कहीं भी जवाब आप कोई भी एग्जीबिशन होता है, जो एग्जीबिशन में है हर चीज बाहर मैन्युफैक्चर होता है या मेड इन चाइना रहता है, हर चीज इधर के रहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर जो भी है अपने आते सब जने आते। नहीं, हमारा बोलने का मतलब क्या है, पाकिस्तानी स्टॉल्स भी लगे हुए क्या ये सारे? ये बार खाली विद इन द इंडिया, अपन एवरी टाइम इंडिया में पेपर एडवर्टाइजमेंट जब देते हैं खाली हैदराबाद के अतराफ के पेपर देते हैं, ये बार पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करें, हर साल 2-3 लाख खर्च करते हैं, 10 लाख खर्च करें, तो ये बार हर जगह से हर कोने से पुराने गाने सुनना जाना, और यहाँ की पूरी आमदनी जितनी भी आती है उसमें 80% हम लोग पूरे कॉलेज और स्कूल के इंस्टीट्यूशन को खर्च करते। इसके अलावा पहली बार 75 साल में 10 लाख रुपए हम लोग ओल्ड सिटी में मुगलपुरा और गाजीपुरा में 3 स्कूल्स को अडॉप्ट करे हैं, वो 3 स्कूल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स स्कूल्स है, टॉयलेट्स बना रहे हैं उनके लिए, और बोरवेल डलाए जिधर भी रिपेयर हो तो बिल्डिंग चाहिए उधर करें। और सोसाइटी का नाम दिएगा सर, खाली अडॉप्ट, ओनली अडॉप्ट, खाली और रिपेयर वर्क करके छोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ आया तो उसके लिए 10 लाख रुपये दिए। अब रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश में बाढ़ हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री KCR के द्वारा उनको भी 10 लाख रुपये चंद्रबाबू नायडू भी दिए। ऐसे हर चीज करते हैं, 10 लाख रुपए पुलिस फंड देते हैं, या जो भी जितने भी मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, 150 दिनों में 70-80 दिन रोज आके काम करके जो भी कमाई करते हैं, सोशल एक्टिविटी है उनके लिए, एक टाइम पास है, और मेन पर्पस इज फॉर एजुकेट इरेडिकेट पुलिस ट्रेनिंग दिए गए हैं, और इसके अलावा 75 वॉच एंड वार्ड के है। शीश टीम के लिए क्या रखे सर? शी टीम के लिए हमारे पास 30 इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, DMFDs है, मेटल डिटेक्टर्स है, और फ्रिस्किंग अच्छा किया जाता है, और सिक्योरिटी वाले 25 कैमरा एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट GPPS
केस अगर पकड़े जाएंगे तो कौन सा केस बुक करेंगे सर? ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं तो कोई केस बुक नहीं करता हूँ, आदमी को बुलाता हूँ, समझाता हूँ, प्लीज ऐसी चीज नहीं करना, चले जाइए। पुलिस का हैंडओवर कर देते शमी, ये क्या है आईपीएस? डिफरेंस दो ही है, एक तो मेगापिक्सल कैमरा है, क्लैरिटी जब जूम करते हैं आप तो पिक्सल लॉस नहीं होता उसमें, अपना जो कैमरा है 30% के बाद पिक्सल लॉस होता है। और ऑनलाइन की जो बात करें, इसको भी ऑनलाइन करके दे सकते हैं, तो ओनली कन्विंस विद दिस कैमरा व्हेन इट कम्स टू रेजोल्यूशन। टाइमिंग क्या रहेगा सर? 3 to 11, 3 to 11, थैंक यू।